topic on insurance. So today we study the speed of sound wave, that is called longitudinal wave in a medium. हमें साउंड वेव की स्पीड एनी मीडियम में यहां पे उसका इक्वेशन प्रूव करना है और ये भी हम करेंगे अपना डायमेंशनल एनालिसिस के बेस, जैसे कि हमने लास्ट थ्योरी की थी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग और वायर, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय म्यू था, तो वहां पे जो म्यू था वो डेंसिटी था, बट लीनियर डेंसिटी था लेंथ बेस. ओके, तो वैसे का वैसा ही पोर्शन अभी हम स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मीडियम, इन एनी मीडियम, और वैसे अभी जो मैं बोल रहा हूं तो वो साउंड वेव जनरेट हो रहा है, उसमें जो ऑसिलेशन होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है. मतलब कि मैं अभी बोल रहा हूं तो आपको सुनाई देगा, तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे करके आपके सामने आएगा. तो ये देखो डायरेक्शन ऑसिलेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है. That is why sound waves are called longitudinal waves. Okay, चलो तो speed of sound wave that is v वो किस पे depend करता है. तो first आपने chapter number 9 study किया school में, उसमें आपने पहले पढ़ा stress force by area, उसके बाद आपने पढ़ा स्ट्रेन, लेंथ वाला था तो वो दैट इज डेल्टा एल बाय एल, वॉल्यूम में जो चेंज था स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाय वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. ओके, ये दो मॉड्यूल्स आपने स्टडी किए ना. ओके, तो वो जो मॉड्यूल्स था तो यंग मॉड्यूल्स और बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस वो था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट वो वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन था. ओके, और उसमें आपने स्टडी किया था वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाय वी. स्ट्रेन के लिए यूनिट नहीं आता, तो वो मॉड्यूलस पढ़ा था ना. ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट बल्क मॉड्यूलस बी एंड अनदर डेंसिटी दैट इज रो ऑफ दैट मीडियम. तो इसके बेस वेलोसिटी वी डिपेंड्स ऑन बी एंड रो, तो यहां पे हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे. थस वी प्रपोजनल टू बी एंड रो दैट इज उसका ऑर्डर लिखेंगे हम एक्स एंड वाई जो हम फाइंड करेंगे. ओके, तो वी इज इक्वल, यहां पे कोई कॉन्स्टेंट लिख देता है डायमेंशनल इज कॉन्स्टेंट के, और वी रेस टू एक्स और रो रेस टू वाई. ओके, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन स्टार. ओके, चलो अभी सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आने चाहिए जो आपने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किए हुए. तो फर्स्ट दैट इज स्पीड, वेलोसिटी, ओके, उसका यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT फॉर्म. अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, केजी तो है नहीं, तो M0 मीटर दैट इज L1 लेंथ,
और सेकेंड टाइम टी वन, बट ऊपर लिखेंगे तो टी माइनस वन, ये हो गया, ये तो डायमेंशनलेस। बी दैट इज बल्क मॉड्यूलस, ओके, और बल्क मॉड्यूलस बी उसका जो यूनिट होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं आता, डेल्टा बी बाई डी, डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस का यूनिट दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, और इसके बेस हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो पहले न्यूटन का दैट इज एम एल टी, ओके, पहले न्यूटन का दैट इज न्यूटन फोर्स एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दैट इज के जी, एम वन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज मीटर फॉर लेंथ एल वन और पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज टी माइनस टू, ये न्यूटन का लिखा मैंने, और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर दैट इज एल टू, ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी फॉर्म में क्या बनेगा, यहां पे बल्क मॉड्यूलस का क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज एम वन, एल वन है बट एल टू ऊपर आएगा तो माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन और टी माइनस टू, तो ये बल्क मॉड्यूलस का हो गया, ओके, और एक डेंसिटी, ओके, डेंसिटी दैट इज रो, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज केजी पर मीटर क्यूब होता है उसका डायमेंशन, ओके, तो उसके बेस डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी, ओके, तो केजी दैट इज मास, एम वन मीटर दैट इज लेंथ, मीटर क्यूब डिवाइड बाय तो एल माइनस थ्री और सेकेंड टी कितना आएगा जीरो, तो ये तीन डायमेंशनल फॉर्मूला हम इक्वेशन स्टार में यूज करेंगे, ओके, तो नाउ यूजिंग स्टार, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ओके, तो स्टार में जब ये इक्वेशन में हम रखेंगे, ओके, तो क्या होगा, चलो तो वेलोसिटी का पहले लेफ्ट साइड पे दैट इज एम जीरो एल वन टी माइनस वन, के का तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो बल्क मॉड्यूलस का हमने कितना प्रूव किया एम एल टी, वन वन टू माइनस वन माइनस टू, ओके, और रो वेस टू वाई, यहां पे वेस टू एक्स लिखना पड़ेगा, ओके, और रो का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज एम वन एल माइनस थ्री और टी जीरो होल वेस टू वाई, ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले क्या करेंगे एक्स की ऑर्डर और वाई की ऑर्डर को अंदर लेके आते हैं, ओके, तो एम जीरो एल वन टी माइनस दैट इज इक्वल एम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स, एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो एल वेस टू माइनस एक्स और टी वेस टू माइनस टू एक्स, ओके, सिमिलरली यहां पे y की ऑर्डर को अंदर लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो m बेस टू y, l बेस टू माइनस थ्री y और t बेस टू तो जीरो ही होगा, ओके, चलो तो फिर यहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एम एल टी फॉर्म हम वापस लिखते हैं तो m जीरो l वन टी माइनस वन, ओके, और राइट हैंड साइड पे एम एल टी फॉर्म को हम कंप्लीट करते हैं, ओके, तो एम एल टी फॉर्म को यहां पे कंप्लीट करते हैं तो एम विश टू एक्स एम विश टू वाई, तो बेस सेम है तो ऑर्डर का एडिशन होगा तो एम विश टू कितना होगा एक्स प्लस वाई, ओके, चलो वैसे एल वेस्ट टू माइनस एक्स
और यहाँ पे एल एच टू माइनस थ्री बाय, तो एल एच टू माइनस एक्स माइनस थ्री बाय ओके, और टी एच टू माइनस टू एक्स, और यहाँ पे टी एच टू कितना है जीरो, तो माइनस टू एक्स प्लस जीरो दैट इज माइनस टू एक्स. क्लियर इजी है ओके. चलो अभी एम एल टी फॉर्म को दोनों साइड हो गए ना, तो ऑर्डर को हम कंपेयर कर सकते हैं है ना ओके. सो यहाँ पे m बेस टू जीरो है और यहाँ पे m बेस टू x प्लस y है, तो फर्स्ट क्या बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन ओके. एंड चलो अभी l की ऑर्डर को कंपेयर करते हैं, तो l की ऑर्डर यहाँ पे कितना है माइनस x माइनस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू यहां पे वन है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर टू ओके. एंड लास्ट वन टी की ऑर्डर को कंपेयर करते हैं, तो टी रेस्ट टू यहां पे कितना है माइनस टू एक्स इज इक्वल टू यहां पे कितना है माइनस वन, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. अच्छा हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पे x का वैल्यू हमें लास्ट इक्वेशन से मिल जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वन हाफ होगा समझ में आया. और y कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इक्वेशन टू और इक्वेशन नंबर वन को यूज कर सकते हैं, तो कौन सा इजी है नंबर वन तो यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन ओके. तो इक्वेशन नंबर वन को अगर आप यूज करोगे तो y इज इक्वल टू प्लस x इस साइड पे जाएगा तो माइनस x ओके, तो y विल बी माइनस ऑफ वन हाफ क्लियर. तो ये x एंड y की वैल्यूज यहां पे हो गई फाइन ओके. अभी हम क्या करेंगे, ये x एंड y की वैल्यूज को हम इक्वेशन स्टार में रख देते हैं ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार ओके, तो यहां पे क्या होगा यूजिंग इक्वेशन स्टार, v इज इक्वल टू k b वेस टू वन हाफ और रो वेस टू माइनस वन हाफ होगा तो b बेस टू वन हाफ दैट इज रूट ऑफ b, रो बेस टू माइनस वन हाफ तो नीचे जाएगा तो प्लस वन हाफ, तो रो भी रूट में आ जाएगा डिनोमिनेटर में. और यहाँ पे k का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली अगर कंसिडर करते हैं वन ओके. तो नाउ टेक k इज इक्वल टू वन ओके, तो v इज इक्वल टू क्या होगा k रूट बी डिवाइड बाय रूट रो ओके. तो k का वैल्यू तो हमने वन ले लिया ओके. तो इक्वेशन क्या बना हमारा v इज इक्वल टू रूट ऑफ b बाय रो. क्लियर समझ में आया ये आपको है ना, तो उसके बेस न्यूटन्स फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल है, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. योर थ्योरी डायमेंशनल एनालिसिस बेस्ड 3 मार्क्स के लिए कंसिडर आपके एग्जाम में की जा सकती है. क्लियर कर पाओगे ना इतना ओके. तो इतना कंप्लीट कीजिए, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.